एक नया बना दिया, एक इससे पहले फोल्डर था कि उसमें हमने टेबल ब्रांड की थी, इसके लिए एक नया फोल्डर मैंने बना दिया, उसमें हेडिंग लगा दी है यहाँ पे कि एरे आर एंड लूप आर मेड फॉर ईच अदर। सही है। अच्छा, जल्दी से एक एरे बना लेते हैं हम। पहले मैंने कहा लेट मिसाल के तौर पे वेदर फोरकास्ट जो है, ठीक है, वेदर या टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, मैंने कहा टेम्परेचर। अब डेली का मुझे अगले 15 दिन का टेम्परेचर अगर चाहिए, किसी यूज़र से मैं इनपुट ले रहा हूँ, या मेरे पास कहीं डेटाबेस से आया है मेरे पास और वो एरे की फॉर्म में, इमेजिन कर लेते हैं उसको। कैसे लिखूँगा मैं? मैंने कहा यार सबसे पहले तो आज का क्या चल रहा है, 28 चल रहा है, 28 कॉमा, मिसाल के तौर पे कल 27 हो जाएगा मिसाल के तौर पे, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 26, तो 6 दिन का हो गया ये, नेक्स्ट 6 डेज का ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस टेम्परेचर को, इन तमाम टेम्परेचर को क्या करना है, सेल्सियस में मुझे मिला हुआ है, मुझे फॉरन हाइट में कन्वर्ट करना है सबको। कैसे करूँगा मैं? एक तो तरीका ये हो सकता है, मैं बोलूँ मैंने कहा टेम्परेचर का इंडेक्स 0 इक्वल्स टू, और टेम्परेचर का इंडेक्स 0.2 फॉरेनहाइट, मेरी फॉरेनहाइट में बनाने का कोई ना कोई तरीका यहाँ पे मैं लगा दूँगा। क्या होता है फॉरेनहाइट बनाने का तरीका? टेम्परेचर सेल्सियस को फॉरेनहाइट में जो करते हैं उसका फार्मूला पता है किसी को? C2F फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई 1.8 एंड ऐड 32। 1.8 से मल्टीप्लाई करो और 32 ऐड कर दो। 1.8 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो 32। तो ये इसको मैंने फॉरेनहाइट बना के वापस उसमें रखवाया, ठीक है। इसी तरह 1 को भी करना है मुझे, 1 को भी करना है, ये 1 को कर दिया मैंने। अब यही मैंने 2 पे भी करना है, 2, 3, 4, 5। अब ये 6 के 6 मैंने क्या कर दिए, जो मेरे पास एरे में टेम्परेचर आया था फॉरेनहाइट सेल्सियस में, उसको मैंने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। या ये भी हो सकता है कि मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यही 6 लाइन दोबारा लिखनी पड़ेगी, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, फॉरकास्ट लिखा मैंने, और सब में पहले मुझे आज का प्रिंट कराना है, टेम्परेचर का इंडेक्स 0। अच्छा, ये मैंने कॉन्सोल पे करवाया, आप इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर भी प्रिंट करवा सकते हैं, पेज के ऊपर, वो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, इनपुट आउटपुट देखा था उस वक्त भी हम देख चुके हैं। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, 6 दफ़ा ये लाइन लिखनी है, सही है, तो ये प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। अभी तक इस पॉइंट तक एरे बनाने का कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अलग से अगर वेरिएबल बनाता तो भी मैं ये काम उसके साथ कर सकता था। अलग अलग अगर मैं वेरिएबल बनाता, मतलब टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 अगर बनाता, तो उसको भी मैं अलग अलग इस तरह कर सकता था। चलो मैं वो भी बना लेता हूँ, एक मेरे पास एरे की फॉर्म में और एक मेरे पास क्या है, इसके ऊपर बना लेता हूँ, बोलिए मेरे पास एक 6 वेरिएबल अलग अलग है। मैंने कहा भाई टेम्प 1 इक्वल्स टू 28, यही डेटा उसमें भी रख देता हूँ मैं, ये मेरे पास 6 वेरिएबल आ गया, दूसरे में 27 और ये है टेम्प 2, ठीक है, उसके बाद है 30, नहीं उसके बाद 28 है, ठीक है, 28, 27, 28, 30, 32, 26। मैंने कहा कि भाई टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 4, टेम्परेचर 5, टेम्परेचर 6। अब अगर इन सबको मुझे अगर फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ, तो अभी तक तो दोनों सेम सेम चल रहे हैं,
तो करके देखते हैं इसको भी। मैंने कहा कि भाई टेम्प वन इक्वल्स टेम्प वन, और ये आगे मैंने बात लिख दी इसके, तो ये भी कन्वर्ट हो गया। इस तरह मैं छः दफ़ा करूँगा तो ये भी छः दफ़ा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इसको प्रिंट करवाऊंगा तो भी इस तरह करके लिखूंगा मैं, कर सकता हूँ मैं ये। इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग फॉरकास्ट और कॉमा डाल के मैंने कहा टेम्प वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सही है। छह वेरिएबल थे, अलग अलग उसके ऑपरेशन किया और उसको अलग अलग प्रिंट भी करवा दिया। ठीक है, फोरकास्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है मैंने, खैर छोड़ो गलत ही नहीं। एफ ओ आर सी एस टी, एफ ओ आर सी एस टी सही तो लिखी हुई है। नहीं नीचे तो नहीं लिखा भाई, नीचे तो नहीं बता रहा यार, देख लेते हैं यार स्पेलिंग। स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक हो रही है, एफ ओ आर ई होता है फोर। Well, तो ये मैंने इसको ऐसे प्रिंट करवा लिया। अच्छा, एरे के केस में ना मैं ये काम लूप से भी कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं लूप नहीं इस्तेमाल कर सकता। एरे बना इसीलिए कि इस चीज़ से बच सकूँ मैं। ये जो बात अभी तो चलो छः आइटम थे ना, छः दिनों का फोरकास्ट था, तीन महीने का फोरकास्ट करूँगा तो कितने 90 आइटम होंगे, 90 लाइन का कोड लिखूंगा मैं। नो, मैं क्या करूँगा अब ये काम जो है ना, जो मैंने वेरिएबल छः अलग अलग बनाए थे तो मैंने छः अलग अलग दफ़ा करना पड़ा। अब ये काम मैं एरे में अगर मुझे मिलता ये डेटा, या एरे में कन्वर्ट मैं खुद कर लेता अगर नहीं मिलता तो इसके ऊपर मैं चलाऊँगा अब लूप, फॉर लूप, सही है। अच्छा, फॉर लूप ये शुरू से लिखता हूँ ना, पूछता भी जाऊँगा आप लोगों से। सबसे पहला कौन सा होता है फॉर लूप में पोर्शन, लेट इंडेक्स इक्वल टू जीरो। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इंडेक्स है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने तो बोला है कि बस मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये वेरिएबल मेरा इंडेक्स है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस शुरू वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट, सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने लगाया आई जब तक छोटा रहे किससे, मेरे ए आर आर की लेंथ से। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर मैंने एस लगेगा, सही है। जो एरे वाला वेरिएबल होता है उसके नाम के साथ हम एस लगाते हैं, टेम्परेचर्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ये जो सेकंड वाला पार्ट था कि आई जब तक छोटा रहे किससे, टेम्परेचर की लेंथ से, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट है ये लूप का हमारे। अच्छा, तीसरा जो पार्ट है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों, क्योंकि लूप रिवर्स भी चल सकता है। ठीक है, मतलब मैं इसको जीरो से शुरू करके माइनस टेन तक भी ले जा सकता हूँ और प्लस टेन तक भी ले जा सकता हूँ। फिलहाल तो पॉजिटिव ही चला रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी रिवर्स में भी चल सकता है। अच्छा, तो ये हो गया। अब मुझे ये सोच के बताओ गौर से इसको देख के कि ये लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा। जीरो से शुरू होगा ये तो समझ आ रहा है, कहाँ तक चलेगा, टेम्परेचर की लेंथ तक। टेम्परेचर की लेंथ इस वक्त क्या है, सिक्स है। ठीक है, लेंथ जो होता है वो गिन के बताता है, काउंटिंग, तो छः है तो छः देगा। इंडेक्स ऑन अदर हैंड वो जीरो बेस होता है, जीरो से शुरू होता है, लेंथ वन से शुरू होती है। तो मुझे इसने यहाँ पे दे दिया सिक्स, जब ये कोड रन होगा चलेगा तो यहाँ पे सिक्स होगा इस जगह पे। और सिक्स का मतलब क्या है कि जीरो से लेके फाइव तक ये चलेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जीरो से लेके फाइव तक ही हमें चलाना है, क्योंकि फाइव जो है वो आखिरी इंडेक्स है हमारा। जीरो से लेके फाइव तक इंडेक्स है, टोटल छः है, जीरो से लेके फाइव तो परफेक्ट है ये। तो इस वजह से अब आपको ये समझ आया होगा कि जीरो से इसको क्यों शुरू कराना है। क्या इसको मैं वन कर दूंगा तो मेरा मसला ख़राब नहीं हो जाएगा, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा इसको जीरो बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो हमेशा लूप हम कोशिश करेंगे कि जीरो बेस में हम लूप को चलाएं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आया, मैंने सबसे पहले क्या करना है, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है किसमें, फॉरेनहाइट में। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैंने कहा टेम्परेचर का इंडेक्स कौन सा, जीरो, इंडेक्स आई, सही है। आई में पहली दफ़ा में जीरो होगा। मैंने कहा टेम्परेचर आई इक्वल टू टेम्परेचर आई, और आगे फॉर्मूला क्या था, यहाँ से उठा लेता हूँ,
ये था इसको फॉरन हाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। मैंने कहा कि टेम्परेचर का इंडेक्स आई मैं क्या रखवा दो, टेम्परेचर का इंडेक्स आई मल्टीप्लाई बाई 1.8 प्लस 32। अब ये जब चलेगा आई पहली दफ़ा तो आई में क्या मौजूद होगा, जीरो मौजूद होगा। अगली दफ़ा चलेगा वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, तो वो पांचवा इंडेक्स पे जाके ये काम हो जाएगा। मैं वापस इसको आई कर देता हूँ, सही है। तो ये जो छः लाइन का कोड लिखा हुआ था ये कोड मेरा एक लाइन में हो गया, और ना सिर्फ ये एक लाइन में हो गया बल्कि इस टेम्परेचर के एरे में अगर 5000 टेम्परेचर्स भी होंगे तो कोड इस पर ये यही लिखे हुए हैं। इसका बस ये जो लेंथ है ये चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वो जितनी लेंथ है उतनी दफ़ा ही चलेगा, सही है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला हमने बेनिफिट देख लिया कि कोई भी रिपीटेटिव काम जब होता है तो एरे का उसमें फॉर लूप का इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, अब अगर हमें कोई डेटा मिला है, वो रिपीटेटिव टास्क जो है वो किसी डेटा पे परफॉर्म करना है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो डेटा किस में हो, एरे में हो, और हम एरे पे लूप चलाते हैं और उस एरे के हर इंडेक्स पे जाके कोई स्पेसिफिक काम जो हम करवा देते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है वो पूरे एरे पे वो चीज़ परफॉर्म हो जाती है। अच्छा, जब हम एरे के ऊपर जाते हैं ना, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा, इस ये जो मैंने काम किया हुआ है कि ज़ीरो से लेके एरे की लेंथ तक चलो, इसको हम कहते हैं एरे के ऊपर आइट्रेट करना या एरे के ऊपर उसको ट्रैवर्स करना, इस तरह के वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। ट्रैवर्स करना या आइट्रेट करने का मतलब क्या होता है कि मैं एरे के हर इंडेक्स पे जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। ऑपरेशन मतलब या तो उसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता हूँ, या तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ, कोई भी किस्म का ऑपरेशन हर इंडेक्स पर जा जाके जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उसको मैं कहते हैं आइट्रेट करना। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब एक एग्जांपल और कर लिया जाए, ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, साथ साथ ही मुझे प्रिंट भी करवाना है इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, छः लाइन लिखा था कन्वर्ट करने के लिए, छः लाइन प्रिंट करवाने के लिए, अब मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग और फोरकास्ट कॉमा लगा के टेम्परेचर का इंडेक्स ज़ीरो, ठीक है, फिर वन, फिर टू, ऐसे ही लिखूँगा ना, कैसे लिखूँगा मैं, आई लिख दूँगा मैं, सही है, ये ज़ीरो वन टू की जगह आई लिखूँगा मैं, तो ये छः लाइन की जगह दूसरी लाइन और आ गई, तो छः और छः 12 लाइन की जगह सिर्फ दो लाइन, ये छः और छः 12 थी। ये उस केस में कि छः डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास, अगर 5000 डेटा पॉइंट होते तो 5 और 5 10000 लाइन होती, उसकी जगह सिर्फ दो लाइन लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि एरे का और लूप का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, और जब भी एरे का जिक्र आता है तो उसके ऊपर ट्रैवर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब भी एरे का जिक्र आता है तो उस पर ट्रैवर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसके लिए लूप चाहिए। और जहाँ पर भी हम लूप चला रहे होते हैं तो असल में कोई रिपीटेटिव टास्क होता है, और वो रिपीटेटिव टास्क ज़्यादातर डेटा पे परफॉर्म हो रहा होता है, और हम कोशिश करते हैं कि वो डेटा किस में हो, एरे में, तो जहाँ पे लूप है वहाँ पे एरे की ज़रूरत मोस्ट प्रॉब्ली पड़ सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं सर। अच्छा, तो अब हम ज़रा, ये तो हमने दोनों को मिलाकर देख लिया चला के, अब हम ज़रा फॉर लूप के ना थोड़े से मज़ीद प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि फॉर लूप का क्या चक्कर है। कुछ चीज मिस तो नहीं कर दी यहाँ पर, मैंने कुछ चीज अभी मुझे याद आ रही थी, मैं वो पता नहीं क्या याद आ रही थी, भूल गया। खैर छोड़ो, जब याद आएगी तो बता दूंगा। हाँ, ये याद आ रहा था, लूप के साथ साथ ना एक मैप करके भी चीज होती है, उससे भी लूप चल जाता है, यही सेम काम। तो बात ये मुझे याद आ रही थी कि ये जो फॉर लूप होता है ना, इसका सबसे बड़ा एक डाउन साइड जो है वो ये होता है कि समटाइम ये इन्फिनिटी चल जाता है। इन्फिनिटी चलने का मतलब क्या है, पहले मैं मैप पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद ये ना इन्फिनिटी हम देखेंगे कि इसमें ना अगर ये कंडीशन आपने लगा दी गलत हो जाती है, कभी गलती से कंडीशन गलत लग जाती है तो ये ठक करके इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी होने की सूरत में क्या होता है, मेरा पूरा ब्राउज़र हैंग हो जाता है और बड़े मसले होते हैं, बड़ा बुरा यूज़र एक्सपीरियंस बनता है उसका।
तो सम टाइम अगर हमें पूरे एरे पे ही आइटरेट करना है अगर, तो उसके लिए एक और तरीका भी, वैसे तो चार तरीके हैं लूप चलाने के, लेकिन हम दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं। तो एक फॉर लूप हमने पढ़ा, एक और है मैप, ठीक है, तो हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें हमें ना ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, एरे लूप के लिए बना है और लूप एरे के लिए बना है, तो लूप के अंदर कोई ऐसा फीचर तो होना चाहिए ना कि वो खुद से देख ले एरे कितना बड़ा है। लूप को हमें बताना क्यों पड़ रहा है भाई? लूप खुद से नहीं देख सकता कि एरे का साइज़ क्या है। तो मैप ऐसा लूप है, मैप जो है वो एक ऐसा लूप चलाने का तरीका है जिसमें वो मैप खुद से देख लेता है कि लूप का लेंथ कितना है, और उतनी बार ही चलता है, और उसमें कोई इन्फिनिटी वगैरह कम या ज़्यादा होने का चांस ही नहीं है। यानी एरे में अगर 10 आइटम है ना, तो आप मैप को 9 दफ़ा नहीं चला सकते, वो 10 दफ़ा ही चलेगा, ठीक है, और उसको 10 से 11वें दफ़ा भी नहीं चला सकते आप, वो जितना एग्जैक्ट उतनी दफ़ा ही चलेगा। अच्छा, तो सवाल ये है कि मैंने डायरेक्ट मैप क्यों नहीं पढ़ाया, लूप क्यों पढ़ाया? उसका रीज़न ये है कि लूप के अंदर जो है ना, फॉर लूप जो है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं चाहूँ उसको जितनी बार भी चलवा दूँ। और इनफैक्ट हमने जब पहली दफ़ा ये फॉर लूप पढ़ा था, तो हमने क्या किया था, एरे मौजूद ही नहीं था, बगैर एरे के हमने चलाया था, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों हम कवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मैप आपको पता होना चाहिए सेफ्टी की वजह से, मैप जो है वो सेफ है, इन्फिनिट नहीं होता वो। अच्छा, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कॉमेंट कर देता हूँ, और यही कोड, सेम यही कोड मैं मैप के अंदर लिख के बता देता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, टेम्परेचर, TEMPRA temperatures dot map, ठीक है, dot map, और ये आ गया map। इस map के अंदर मुझे क्या मिलेगा, each item comma, index के लिए i लिख दो, सही है, काफ़ी i, तो each item और i। अब देखो इसका सिंटैक्स कैसे है, गौर से समझना। टेम्परेचर्स यानी के कोई भी एरे का नाम, इसके ऊपर डॉट मैप। अच्छा, अगर ये एरे नहीं होगा ना, इस वेरिएबल का एरे टाइप होना ज़रूरी है, जब भी इस पे मैप चलेगा। अदरवाइज आपने अगर नंबर वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, उस पर आपने डॉट मैप लगाया, तो आपको एरर दे देगा, वो कहेगा यार मैप मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, सही है, पता नहीं क्या, जैसे होता है ना भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है, वो लैंग्वेज है। तो सम टाइम कोई बंदा ऐसी बात करता है, आप कहते हो भाई क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बोलते हो ना। तो जब कंप्यूटर, आपने कोई ऐसी बात लिखी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही, तो कंप्यूटर क्या बोलता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो, एरर, दिस इज़ एरर, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, या तो आप उसको चेंज करो जाके, आपने कोई गड़बड़ कर दी है। सम टाइम कोई वर्ड बंदा गलत बोल जाता है कभी, सही है, कोई वर्ड बंदा क्या बोल जाता है, गलत बोल जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा है हैंकर दो, हैंकर चीफ दो, अब ये सुनने की आमतौर पे आदत नहीं होती लोगों को। ऑन अदर एंड अगर बोलता है टिश्यू दे दो या रुमाल दे दो, तो उसको फौरन समझ आता है, ठीक है। तो सम टाइम आप किसी स्पेलिंग में मिस्टेक अगर कर जाते हैं, तो भी इसको समझ में नहीं आता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो कहता है यार जाके देखो क्या मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। अच्छा, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, एक एरे टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, जब उस पर मैप, तो डॉट मैप लगाया, मैप लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन की, गोल वाली ब्रैकेट, और ये गोल वाली ब्रैकेट क्लोज की, उसके अंदर एक फंक्शन ये पास किया हुआ मैंने। अच्छा, फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन अभी हमने कब, लेकिन इसको फिलहाल ऐसे ही एडजस्ट करें अभी, कि ये हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा, इसको ऐसे अज्यूम करें हम, जैसे फॉर लूप है ना, फॉर लूप का जो पहली लाइन है ये हमेशा ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें तो चलो जाहिर है कंडीशन आपको अपने हिसाब से लगानी होती है ना, इसमें ये लाइन हमेशा इसी तरह होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, ईच आइटम ना मेरी मर्जी का नाम है ये, मैं इसका नाम कुछ और भी, लेकिन इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा, ये जितनी दफ़ा घूमेगा ना, मुझे एक एक आइटम मिलता चला जाएगा, तो इसलिए इसका नाम मैंने ईच आइटम रखा है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि इसमें क्या आने वाला है। आई फॉर इंडेक्स, पहली दफ़ा जब घूमेगा इस आई में ज़ीरो होगा बाई डिफ़ॉल्ट, पहली दफ़ा जब भी घूमेगा इस आई में ज़ीरो होगा बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें चूँकि ये एरे के ऊपर चलता है, इसमें इन्होंने चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं रखा, इसने बोला भाई कोई गलती से वन बेस बना दे अगर, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था ना, आपने कहा वन से इसको शुरू करवा दो, तो इसने वो हटा ही दिया, इन्होंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, वन बेस को जड़ से ही ख़त्म कर दो, ज़ीरो बेस ही रहेगा। तो थोड़ा सा ये सोफिस्टिकेटेड तरीका है, लेकिन इसका डाउन साइड क्या है, इसका डाउन साइड ये है,
जैसे फॉर लूप का डाउनसाइड क्या है, वो गलती से इन्फिनिट हो जाता है। इसका डाउनसाइड ये है कि एरे का जो साइज़ है ना, जैसे 10 आइटम है तो आप इसको 9 दफ़ा नहीं चला सकते। अगर एरे के में 10,000 आइटम है ना, तो आप इसको 10,000 दफ़ा पूरा चलेगा ये, इसको बीच में रोकने का कोई तरीका नहीं है। सही है, तो इसका डाउनसाइड भी अपनी जगह है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपसे जिक्र कर दिए। अच्छा, अब मुझे ईच आइटम पे हमेशा क्या मिलेगा? ईच आइटम के ऊपर में हमेशा मुझे क्या मिलेगा? एक एक इंडेक्स करके वो मिलता रहेगा। यानी इसमें टेम्परेचर का आई लिखता था ना मैं, इसमें बोलूँगा ईच आइटम। सही है। अच्छा, मैंने कहा ईच आइटम इक्वल्स टू क्या? ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई, मुझे वही दोनों काम करवाना है यहाँ पे भी अंदर भी। मल्टीप्लाई बाई 1.8 और प्लस 32, ये मेरा काम हो गया। अच्छा, साथ साथ मैंने इसको कंसोल भी करवाना था। कंसोल पे जो था वो पूरा मैं एज इट इज उठा के ले आता हूँ वहाँ से, ठीक है। लेकिन अब मैं टेम्परेचर का इंडेक्स आई नहीं लिखूंगा। अच्छा, टेम्परेचर का इंडेक्स आई भी लिख सकता हूँ क्योंकि आई भी मुझे मिलता है यहाँ पर, राइट? कर सकता हूँ मैं ये भी अगर चाहूँ तो, ठीक है। लेकिन मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ईच आइटम, ठीक है। अच्छा, ईच आइटम करने के बाद ये मैप जब चल के कंप्लीट होगा ना, तो मैंने तो यहाँ पे लिखा है ईच आइटम इक्वल टू ईच आइटम मल्टीप्लाई, लेकिन इस टेम्परेचर के ओरिजिनल वेरिएबल में ना कोई चेंज नहीं आएगा, करके देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा टेम्परेचर्स, अब ये जब चल के ख़त्म होगा ना, तो ये 28-27 ही होगा, ये 28-27 यही होगा। सही है, ये जब चल के ख़त्म होगा तो। अच्छा, तो चला के देखते हैं ये चेंजेस क्यों नहीं आई, ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं आई ये चेंजेस जो आ जानी चाहिए थी। ओहो, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखें यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है ना, वो तो प्रिंट हुआ है सही, फॉरेन हाइट में कन्वर्ट होके प्रिंट हुआ है। अगर आप यहाँ पे गौर करें इस पर, पहला वाला जो 82 प्रिंट हुआ है, यार ये डबल डबल क्यों प्रिंट हुआ है बाय द वे? अच्छा, एक यहाँ पे भी प्रिंट हुआ है ना, एक ये वाला भी प्रिंट हुआ है ऊपर वाले, उसको रोक देता हूँ ना मैं कंसोल को, ताकि सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट हो। सही है, ये रहा, अब सही आया। तो पहला वाला जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट तो सही हुआ है, कन्वर्ट हो चुका था वो, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि मैप का बिहेवियर ही है ये बाय डिफॉल्ट। मैप ये बोलता है कि आप ना, अगर आपको ओरिजिनल एरे में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि टेम्परेचर्स का इंडेक्स आई और उसके अंदर डालोगे आप, तो डायरेक्ट चेंज होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, और जो रेकमेंडेड वे है वो क्या है, बोलता है कि ये पूरा मैप जो है ना, ये पूरा मैप ये आपको रिटर्न करेगा अपडेटेड एरे, ये आपको क्या करेगा? अपडेटेड एरे रिटर्न करेगा। और अपडेटेड एरे रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट में आपको रिटर्न कॉल करके ईच आइटम को ना, ईच आइटम में जो भी मॉडिफिकेशन किया आपने वो सब करने के बाद आपको लास्ट में उसको रिटर्न करना है। तो ये जब पूरा चल के ख़त्म होगा ना, तो ये पूरा गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे वो अपडेटेड एरे आ जाएगा। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा टेम्परेचर इक्वल्स टू टेम्परेचर्स डॉट मैप। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो अंदर आपने चेंजेस करी हैं उसको आपने हर दफ़ा रिटर्न करवाया। अच्छा, ये रिटर्न नहीं कराऊंगा ना तो अनडिफाइन हो जाएगा। और जब ये पूरा एरे चल के ख़त्म होगा ना, तो ये इतनी चीज़, यानी पूरा एरे जब चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पे अपडेटेड एरे आ जाएगा जो भी आपका होगा। तो अब आएगा चेंजेस के अंदर, दो चीज़ मैंने बताई है, एक तो रिटर्न, जो भी चेंजेस अंदर की हैं उसको आखिरी लाइन में रिटर्न करना होगा आपको मैप के अंदर, ठीक है। और जब आप ये रिटर्न कर देंगे, तो चलने के बाद ये पूरा मैप जब चल के ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो अपडेटेड एरे है वो रिटर्न करेगा, ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करेगा, अपडेटेड एरे रिटर्न करेगा। अब चाहे आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल में पकड़ लें या सेम वेरिएबल में, मैंने सेम वेरिएबल में पकड़ा हुआ है, आप किसी नए वेरिएबल में भी पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है। और मैंने लास्ट में प्रिंट करवा लिया, तो आप देखते हैं उसमें चेंजेस आ जानी चाहिए अब, ठीक है। देखो, जो यहाँ चेंजेस थी वो यहीं पर भी आ गई। तो हमने क्या किया,
मैप के जरिए भी वही सेम काम करवाने की कोशिश की जो हम फॉर लूप से करवाते थे, और मैप के हमने प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए दोनों। ठीक है, ये समझ में आ गया सब लोगों के? अच्छा, अब जो है ना हम इसको बंद कर देते हैं, बल्कि इसको बंद नहीं करते, इसको तमाम कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब नीचे ना हम फॉर लूप के अंदर जो एक दो बची हुई बातें हैं वो डिस्कस करके हम ये ख़त्म करते हैं फिर। हमारे पास टाइम अभी है 10 मिनट ना। अच्छा, अब जो है ना हम थोड़ा फॉर लूप को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल का मतलब है कि ये पहला पार्ट जो है, अगर मैं ये ना लगाऊं तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एरे के तीनों पैरामीटर जो है ये क्या है, ऑप्शनल है। एरे के तीनों पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल है, तो इटसेल्फ एरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लूप के जो तीनों पैरामीटर हैं ये ऑप्शनल है, तो लूप को इटसेल्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं ये हटा भी दूँ तो। लेकिन एरर कहाँ पे आएगा, जब ये मैं बोलूँगा ना कि आई अगर छोटा है 10 से, क्योंकि अगली चीज़ तो यही एग्जीक्यूट करेगा ना, वो बोलेगा भाई आई कौन सा, आई तो मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पर वो एरर दे देगा। तो अगर मैं आई है यहाँ पर पहले ही बना लूँ, लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये आई बना हुआ है, तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, चल जाएगा। तो अगर ये कोड बिल्कुल सही चलता है तो इसका मतलब है 0 से लेकर 9 तक चीज़ प्रिंट हो जानी चाहिए, अगर ये बिल्कुल सही चलता है तो। चला के देखते हैं इसको, सही है, 0 से 9 तक बिल्कुल सही प्रिंट हो गया, मतलब पहला पैरामीटर जो था वो मैं नहीं दूंगा तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है। वेरिएबल चाहिए उसको, वेरिएबल आप किसी और तरह से दे दो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा पैरामीटर अगर मैं ना दूँ इसको तो कोई एरर है? मैंने वैसे तो बता दिया कि तीनों पैरामीटर ऑप्शनल हैं इसके, लेकिन सवाल ये है कि बिहेवियर क्या होगा जब नहीं दूंगा तो, क्या एरर दे देगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। जैसे इफ में होता था ना, इफ की अगर ब्रैकेट को मैं खाली छोड़ दूं तो क्या होता था, हाँ हमने डिस्कस किया था इफ को, इफ पढ़ते हुए, अगर इफ की ब्रैकेट को मैं खाली छोड़ दूँ कंडीशन वाले को तो क्या था, वो एरर था वो, सही है, उसमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको, मैंडेटरी है वो। इसको खाली छोड़ूंगा तो क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगा, सही है, क्योंकि इफ का जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल नहीं था, वो रिक्वायर्ड था, ये ऑप्शनल है। अच्छा, इसको अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या समझता है, ट्रू, चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं है। तो अगर इसको मैंने ऐसे रन कर दिया यहाँ पे तो ये प्रिंट होना शुरू होगा और हजारों लाखों दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा और मुझे अपना टैब मजबूरन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो उसका URL कॉपी कर लेता हूँ, टैब बंद करने के लिए रेडी हूँ मैं पहले से। इसका कंसोल क्लियर करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँगा ना, ये इन्फिनिटी देखो चल गया, 50,000 100,000 दफ़ा चल गया, और मेरा प्रोसेसर ऊपर अगर तुम देख सको यहाँ पे टॉप पे जो पट्टी आ रही है ना ग्रीन ग्रीन, ये मेरा प्रोसेसर है, पूरा 100% पे जा चुका है। ठीक है, मैं जैसे ही टैब बंद करूँगा तो ये वापस नीचे भी आ जाएगा। अच्छा, देखो पूरा सब हैंग हो गया, क्लिक व्लिक सब बंद हो गया। मैं इस पर टैब को बंद करने के लिए भी जब क्लिक करूँगा तो ये काफ़ी देर में बंद होगा टैब, जाके हैंग हो चुका है मेरा पूरा सिस्टम इसमें, सही है। तो इन्फिनिटी होना उसके लिए बहुत इजी है, फॉर लूप के लिए। कभी आपने ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिया ना उल्टा, तो फॉर बस इन्फिनिटी हो गया, या लेस देन की जगह ग्रेटर देन, ग्रेटर देन की जगह लेस देन, ये बहुत कॉमन उसमें एरर्स आते हैं इस तरह के। अच्छा, ये तो बंद होने से इसने इनकार कर दिया, तो मुझे पूरा ब्राउज़र बंद करना पड़ेगा, यहाँ राइट क्लिक करके क्विट, और दोबारा राइट क्लिक करूँगा तो फोर्स क्विट अब ऑप्शन देगा ये, भाई फोर्स क्विट क्यों नहीं दे रहा, फोर्स क्विट का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं लैपटॉप नहीं, इसमें फिर वो टास्क मैनेजर से करना पड़ेगा। एक्टिविटी मॉनिटर आ गया, एक्टिविटी मॉनिटर से जाके है? नहीं खुल गया एक्टिव। अच्छा, वो हैंग हो गया ना क्योंकि वो गूगल क्रोम से चलता है, ये जो आपकी स्क्रीन है ना ये गूगल क्रोम से चलती है, इसलिए वो भी हैंग हो गई है। नहीं, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा।
चलो हो गया गूगल क्रोम बंद, सही है सभी बंद हो गया। और मैंने गूगल क्रोम ये दोबारा खोल लिया, स्क्रीन की शेयरिंग भी दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। सही है, अच्छा तो अब आगे इसकी इन्फिनिटी को मैं रोकूंगा कैसे? अगर मुझे यहाँ पे नहीं रोकूँ मतलब तो कहाँ रोकूंगा फिर उसको? फॉर लूप के अंदर एक ब्रेक का कीवर्ड होता है, सही है। अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड लगा दूँ ना किसी भी जगह तो उससे वो रुक जाता है। तो मैं अंदर लिख देता हूँ इफ, क्या हो जाए आई, अगर आई जब तक छोटा रहे ना, सॉरी आई अगर बड़ा हो जाए किससे, 9 से, तो क्या कर दो ब्रेक, क्योंकि अब मुझे कंडीशन अपोजिट लगानी पड़ेगी ना, अब मुझे फॉल्स शुरू में रखवाना है, जैसे ही ट्रू हो तो वो ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही आई जो है जब तक क्या होगा, 9 होगा जब तक ये ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही 10 होगा ना 9 से बड़ा, तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, मेरा लूप वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक का कीवर्ड है, इसके जरिए भी इस लूप को रुकवाया जा सकता है। अच्छा बाय द वे इफ की कंडीशन अगर एक लाइन की हो ना तो उसमें ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं होती, राइट, सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इफ की कंडीशन एक लाइन की है तो उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं उसको। तो मैंने ये भी बता दिया आपको एक इफ वाली चीज़। अच्छा चला के देखते हैं ये वाकई ऐसा है या नहीं है। ओ, कहाँ गया हूँ, ओके ठीक है, 0 से लेकर 10 तक चलाओ। अगर मुझे 9 तक चलाना है तो मैं इसको 8 कर दूंगा, थोड़ा कंडीशन को छोटा कर दूंगा मैं। तो अब कहाँ तक चलेगा ये, अब 0 से लेकर 9 तक चलेगा, मुझे और कम कराना है मैं और कम कराऊँ। फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ तक चाहो रोको, जहाँ तक चाहो चलाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैंने दूसरा पैरामीटर उड़ा दिया, अब तीसरा पैरामीटर अगर मैं उड़ा दूँ इसका, तो पैरामीटर तो ऑप्शनल है लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा अगर मैं ना लगाऊँ तो? प्लस प्लस मैंने नहीं लगाया, एक ही बार चलेगा। अच्छा देखो, जब लूप स्टार्ट होता है सबसे पहले क्या करता है, फॉर लूप का कीवर्ड देगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट चलाया, जो भी होगा उसमें चला देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपने कंसोल डॉट लॉग भी लिखोगे ना, अगर यहाँ पहले वाले में यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग भी लिख दोगे ना तो वो उसको चला देगा, मतलब उसको नहीं फर्क पड़ता कि आप इस पर क्या लिख रहे हो, उसका काम है पहला पार्ट चला देना एक बार ही, सही है। तो मैंने कह दिया कि इनिट लिख दिया मैंने यहाँ, तो ये आ जाएगा स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, मतलब लिटरली, क्योंकि ये जस्ट पहला पार्ट है, जो मर्जी लिखो यहाँ पे पहली बार उसको चला देते हैं। हम आमतौर पे उसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं लेकिन उसको नहीं फ़र्क पड़ता फॉर लूप को, जो मर्जी चला दो आप यहाँ। तो पहला पार्ट ये हो गया, अब दूसरा पार्ट जो वो कंडीशन चेकिंग है, कंडीशन चेकिंग में जो मर्जी लिख दो लेकिन रिटर्न क्या होनी चाहिए वैल्यू वहाँ पे, बूलियन ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स नहीं होगी उसको पार्स कर लेगा। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कार, तो ये क्या है बाय डिफॉल्ट ट्रू है, हमेशा ट्रू रहेगा, सही है। अगर उसको बुलियन के अलावा कुछ और मिला ये पार्स कर लेगा बुलियन में उसको, तो ये हो गई दूसरी बात। अब अगर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी, बॉडी को एक दफ़ा रन कर दिया, अब आखिरी काम क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो एक दफ़ा चला देगा, रिगार्डलेस कि क्या लिखा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, एक दफ़ा चला देगा, जिससे हमारा वेरिएबल एक प्लस हो जाता है। आमतौर पर हम वहाँ इंक्रीमेंट करवाते हैं तो वेरिएबल हमारे एक प्लस हो जाता है, अभी उसको मैंने कर दिया खाली, उस पार्ट को चलाएगा तो सही है लेकिन उसमें कुछ है नहीं क्योंकि, तो कुछ होगा नहीं। अब अगला साइकिल शुरू होगा, कंडीशन चेक होगी, वेरिएबल तो इंक्रीज हुआ नहीं है, कंडीशन कभी ज़िंदगी में फॉल्स नहीं होगी, तो ये फिर इन्फिनिट हो गया। अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट गायब कर दूँ तो वेरिएबल में ज़ीरो है ना, हमेशा ज़ीरो रहेगा, हमेशा ज़ीरो रहेगा तो वो इन्फिनिट है वो भाई। वेरिएबल ऊपर बढ़ेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी ना एक पॉइंट पे जाके, वेरिएबल जब बढ़ ही नहीं रहा तो कंडीशन फॉल्स होगी नहीं कभी भी, तो ये फिर इन्फिनिट हो जाएगा। इसको हम फिर से चला के देख सकते हैं, चला कर देखें, फिर मुझे ब्राउज़र बंद करना पड़ेगा मसला, लेकिन ये हाँ ये मैंने रिफ्रेश किया और ये लो चल गया। अच्छा इसको मैं फ़ौरन अगर बंद कर दूँ तो ये फिर बंद हो जाता है, फ़ौरन बंद कर दिया तो हो गया, थोड़ी देर रुक जाता है ना, फिर वो बफर बिल्डअप हो जाता है, फिर नहीं बंद होता वो, सही है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हटा दूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर इन्फिनिट हो जाएगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं इसके लूप के आखिर में ना आई प्लस प्लस लगा देता हूँ। सेम चीज़ हो गई जो आखिर में करता था, वो मैंने बॉडी के अंदर ही करवा दी, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने क्या कर दिया, अच्छा इनिट देखो लिखा हुआ आ गया होगा यहाँ पे ना, जो इनिट मैंने लिखा था ना यहाँ, देखो इनिट यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने। मैं इस इनिट को भी हटा देता हूँ, ऐसे बिला वजह ही लिख दिया मैंने। ऐसे बताना चाह रहा था मैं कि भाई कुछ भी हो तो उसको चलाना मकसूद है उसको, ये नहीं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने तीनों पैरामीटर हटा दिए हैं लेकिन अभी भी ये 0 से 9 तक प्रॉपरली चल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पैरामीटर का इक्वेलेंट मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरे पैरामीटर का इक्वेलेंट यहाँ लिख दिया, तीसरे पैरामीटर का इक्वेलेंट यहाँ लिख दिया। तो ये एरे का जो तीनों पैरामीटर है ये क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन वो जो चीज़ें चाहिए ज़रूर उसको। अगर कोई भी एक चीज़ आगे पीछे करोगे ना तो वो या तो इनफाइनाइट हो जाएगा या तो चलेगा ही नहीं, सही है। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों हटाओगे आप तो इन्फिनिट है, और पहला हटाओगे तो वो बोलेगा भाई वेरिएबल ही नहीं मिल रहा। वेल तो ये समझ में आई बात कि फॉर लूप के तीनों पैरामीटर ऑप्शनल है। फॉर लूप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें जैसे मर्जी इसको आप चला लो। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था मैप। मैप में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। एक तो मैप चलेगा लूप के ऊपर, बगैर लूप के काम नहीं करेगा। दूसरा उसमें जो चेंजेस करोगे वो रिटर्न करवा के एरे ही रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड है वो तो, यानी एरे के बगैर बात ही नहीं करेगा आपसे। ठीक है, तो हमने दोनों पढ़ लिया, दोनों का अपना अपना यूज़ केस है। केस टू केस ये वेरी करता है कि कौन सा बेस्ट है, केस टू केस ये वेरी करता है कि कौन सा। मिसाल के तौर पर किसी डेटा बेस से मेरे पास टेम्परेचर आया, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखी थी, अब उस टेम्परेचर को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है सेल्सियस में आया था फॉरनहाइट, तो इसका मतलब है मुझे तमाम इंडेक्सेस पे जाना है ना, और अगर 10 इंडेक्सेस है तो 11वें पे जाना भी नहीं है, 10 तक ही रहना है, तो मैप बेस्ट है उसके लिए। लेकिन अगर मेरे पास, मैं यूज़र से ले रहा हूँ यार टेबल कितनी बार ही प्रिंट कर रहा हूँ, 5 की टेबल 15 बार प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये 15 बार जो प्रिंट करवाने वाला है ना, इसमें मैप काम नहीं करेगा, इसमें मुझे फॉर लूप चाहिए। बंदा बोल दे 16 दफ़ा प्रिंट कर रहा हूँ, फिर 20 दफ़ा प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये फॉर लूप में फ्लेक्सिबिलिटी। तो केस टू केस आप डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है, आप वो यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर मैप चलाएं या फॉर लूप, नहीं ये कोई फिक्स बात नहीं है, ये केस टू केस वेरी करेगा कि आपके केस में आपको बेस्ट सर्व कौन वाला कर रहा है, जो कर रहा होगा आप वो यूज़ करेंगे। अच्छा, तो इस क्लास को मेरे ख्याल हम यहीं तक रखते हैं, फिर आज अगली क्लास में मुलाकात रहेगी। अच्छा, एक असाइनमेंट अच्छा सा सोच रहा हूँ कुछ तुम लोगों के लिए मैं, क्या असाइनमेंट दिया जाए तुम लोगों को, पहले तो ये कोड पुश कर देता हूँ मैं। हाँ, यार असाइनमेंट तो मेरे पास आ रहा है वेदर ऐप, लेकिन वेदर ऐप के लिए अभी ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तुम लोगों ने, सोचते हैं कुछ।